अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। घर में क्या चल रहा ना माँ, उस सब हमको पता है। अरे तंत्र मंत्र से कोनो तीसरी आंख लगा के बैठे हो का? तीसरी आंख का जरूरत है माँ? जो अपना दुश्मन है ना वही अपना मुखबिर है। वो किरणिया, तुम शिवा से मिलने गई थी क्या? चाचा जी वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मिलने के लिए सोचने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे चाचा जी के आदर्शों को पीछे छोड़ना पड़े। मेरे लिए सिर्फ ये मजबूरी है, मजबूरी समझ ले तुम। अरे तुम्हारे मैं का पोथा लेकर बैठ जाओ ना मैं तो कलम टूट जाए और स्याही छितर जाए। यार तुमने तो अपनी शादी को भी ना मजबूरी का नाम दे रखा है। ये दवा आपको स्वस्थ रखेगी और ये गरम काढ़ा है। जब हम काढ़ा बना के पी रहे थे तो सब लोगों ने हंगामा कर दिया और आज वह काढ़ा तुम बना के दे रही हो तो अमृत बन गया का? फोमा धीरज भैया के लैपटॉप से सारी जानकारी ली है माँ, जैसे कि हमें बार बार गर्म पानी पीना चाहिए और च्यवनप्राश खाना चाहिए, उससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये सारी चीज़ें तो हमारी रसोई में ही उपलब्ध हैं। और ये जो काढ़ा है ये भी का मिला के बनाई हो? ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा कुछ भी डाल के हमको पिलाई दो और हम सीधा ऊपर टे हो जाए। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? काढ़े में हमने ऐसा कुछ नहीं मिलाया, इसमें तो सिर्फ तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, सूखी अदरक और मुनक्का मिलाया है। और आपको शुगर की बीमारी है इसीलिए गुड़ की जगह नींबू मिला दिया है और कुछ नहीं मिलाया। माँ आप एक बार पी के देखिए। माँ देखिए, माँ तनिक चटक है, इसमें जो नींबू और करिया मिर्च मिलाए हो ना उससे तो मन हरी हरा जा रहा है। तो फिर ठीक है माँ, ये काढ़ा आपको रोज सुबह शाम पीना है, ये आपकी सेहत में बहुत फायदा करेगा। और मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ तब तक हम भी नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। बीमारी के नाम पे बैठे बैठे बिस्तर तो नहीं तोड़ सकते ना बहुरिया, अपने काम तो खुद ही करने पड़ेंगे ना। लो पकड़ो। माँ सुनिए तो, आप ठंडे पानी से मत नहाइए, मैं पानी गर्म कर देती हूँ क्योंकि आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है और ठंडे पानी से नहाएंगी तो फिर से बीमार पड़ जाएंगी। मैं बाथरूम में गर्म पानी करके रख देती हूँ, तब तक आप ये काढ़ा पी लीजिए। अरे ये तो एकदम जैसे पहले से ही सब तैयारी करके बैठी है, कोनो नुक्स निकालने का मौका ही नहीं दे रही है। ये तरह से तो जल्दी ही पूरा घर पे कब्जा कर लेगी ये, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हम हैं ये घर में हमारा ही राज रहेगा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है किरण? और तुम्हारे परेशान होने से क्या हो जाएगा? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? यहाँ मेरे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा और सब अपनी अपनी जिद लेकर बैठे हुए हैं बस। तो मतलब अब ये तुम्हारी जिद है कि लोगों की जिद को खत्म कर और लोग तुम्हारे हिसाब से चले? धीरज मैंने कब कहा कि सब मेरे अनुसार चले, पर उन लोगों की जिद भी तो सही नहीं है ना। तुम कैसे ये कह सकती हो? जिस तरह से तुम अपने नजरिए में सही हो सकता है वो लोग अपनी नजर में सही हो। तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो धीरज, मतलब मैं एक दोस्त के नाते तुमसे यहाँ पे सलाह लेने आई हूँ और तुम हो कि बस। अरे किरण तुम्हारे कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी होता है।
तुम्हें जो अच्छा लगता है बस एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धड़धड़ाते हुए आगे निकल जाती हो। अरे भाई, जहाँ पटरी कमजोर है वहाँ गाड़ी धीरे चलाओ, देख के चलाओ, और जहाँ अच्छी हो वहाँ भगाओ दौड़ाओ जितना भगाना है। मुझे तो लगता है कि कंफ्यूज मैं नहीं, कंफ्यूज तुम हो। मैं कहाँ अपने घर की बात कर रही हूँ और तुम हो कि रेलगाड़ी की बात लिए बैठे हो। अब देखो, ये जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ ये गर्मियों में फूल देता है, इसके बाद बीज बनता है। मिट्टी के अंदर रहकर मौसम के तमाम थपेड़ों को सहते हुए पनप कर ये पौधा बनता है। लेकिन तुम अगर चाहोगे कि ये सर्दियों में फूल दे, बल्कि बीज मिट्टी के बजाय हवा में पौधा बन जाए। धीरज, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज का एक समय होता है, हमें भी समय का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए, मुझे बस हाथ पर हाथ धरकर ऐसे ही बैठे रहना चाहिए, है ना? नहीं किरण, मैं ये नहीं कह रहा। देखो, जिस तरह से बीज को पौधा बनने के लिए नमी की जरूरत होती है, उसी तरह ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे परिवार में आपसी रिश्तों में नमी कैसे बनी रहे। एक बात और, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, मैं ही सही हूं, के लिए अपनी सोच को छोड़ना पड़ता है। अरे मां साहब, हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई गलती करता है ना तो उसको सजा मिलना ही चाहिए, और अगर कोई अपना लड़का फेंका करे ना तो उसको काहे समझा बुझा करके माफ कर देना चाहिए। देखो रामलाल, माफी का अधिकार उसी को होता है जिसको एहसास हो कि उसने गलती की है। एकदम 100% का बात कह रहे मार साहब। लेकिन जानते मार साहब, कुछ लोग ऐसा होता है ना जो एकदम से समझ के बिना नहीं समझने का कोशिश करता है। तो क्या कह रहे थे रामलाल? अरे हाय, देखिए अपनी किरण बिटिया भी यही है, हाँ, धीरज बेटा के साथ। के तरह हंस हंस के बतिया रही है जैसे कुछ गहरा नाता हो। मार साहब, हम का कह रहे थे कि ये बात ना गांव में और फैले, उससे अच्छा है कि किरण बिटिया का ससुराल और मायके यही गांव में होना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो रामलाल? मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जिस हाथ से हमने चौक पकड़ के बच्चों को पढ़ना सिखाया है, हाथ में छड़ी लेकर उनको सबक सिखाना भी जानता हूँ। सबक तो जिसको सीखना है वो सीख करके ही रहेगा मार साहब, भले ही छड़ी आपके हाथ में, लेकिन वो किस पर चलवाना है और कैसे चलवाना है हमको बहुत अच्छे तरह से आता है। अब वैसे भी तुम जैसा अगर दोस्त हो तो कोई भी मुश्किल में फंस ही नहीं सकता है। अब हाँ, वो तो सब ठीक है, अब किरण तुम्हें तो घर जाना चाहिए। अरे अभी ऐसे घर कैसे चली जाओ? उषा चाची से मिलना है मुझे, और उनकी तबीयत भी तो पूछनी है मुझे, और वैसे भी मुझे आशा से मिलना है। कल आशा ने सच में जो हिम्मत दिखाया ने धीरज, काबिले तारीफ। अगर यही हिम्मत वो अपनी आगे पढ़ाई पूरी करने में लगा देना तो उनको आगे बढ़ने से सच में कोई नहीं रोक सकता है। चलो मैं उषा चाची से मिलकर आती हूँ। अरे किरण, मैं क्या कह रहा था कि अभी तुमने माँ से मिल लिया तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अब ये कोई पराया घर थोड़ी है मेरे लिए, ये भी तो मेरा ही घर है ना। क्यों चाची? देखो बेटा, बेटी का असली घर तो ससुराली है। हाँ, जब एक लड़की का घर उसका ससुराली होता है चाची,
तो फिर क्यों उस ससुराल में उस लड़की को पराया समझा जाता है? किसके रोके रुका है सवेरा? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा? जिकरा के घर से धक्का मार के बाहर निकाले के चाहिए। उता घर में कुंडली मार के बैठी है नागिन, और हमरा बेटा तुम देख रहे हो ना भगवान, कितना अन्याय हो रहा है, फिर भी तुम चुपचाप हो। और हम तो माई है ना, हम अपने कलेजे पर पत्थर नहीं रख सकते। अपना बेटा के हक पर जब कोनो और हाथ डालता है ना, तो एक माई का कलेजा फटता है। कुछ हो पर उन लड़की के लिए हमरे मन से बद्दुआएं निकलती है भगवान। शिवा को बोल दो घर आने के लिए, मुझे उससे बात करनी है, और किरण की शादी की तैयारी शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके उसे इस घर से विदा करना है। हे भगवान, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम हमरा प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लिए। जय हो। जैसे भी हो, वो नागिन चारों तरफ से घिरा गई है, तो ये हमको तय करना है कि उनकी मुंडी कूचा जाए या उनका पूंछ से पकड़कर पटका जाए। देखो बहुरिया, जिंदगी में और कुछ नहीं रखा है, जो भी काम करो ना बस मन लगा के करो, और परिवार के और जोन जिम्मेदारी है ना ठीक से निभाओ। इससे बड़ा कोनो पूजा आराधना नहीं है, ना ही कोई बड़ा तीर्थ, इसी में ही सबका सुख है बेटा। जी माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार सुखी रहे, और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरे परिवार पे कभी कोई मुसीबत आए तो हिम्मत से मैं उसका सामना कर सकूं। इसी में ही मेरा सब कुछ है। हाँ, तुम ये सोचती हो ना, वो ही सबसे बड़ी बात है। अच्छी बात है बेटा। बाकी कोनो परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आ गया तो मेरा दोनों लाल तो है ही संभालने के लिए, है कि ना? जीती रहो। अरे लेकिन कल जब आपकी तबीयत खराब हुई थी ना चाची, तो आपकी बहुरिया ने ही बहुत हिम्मत और साहस से आपको संभाला था। माँ ये बात तो सही है कि आपकी बहू में बहुत हिम्मत है। जरा सोचो, घर में कोई नहीं था, कुछ भी हो सकता था। आशा जी, तुमने कल हिम्मत दिखाई है ना, सारे गांव वाले तुम्हारी बात कर रहे हैं। दीदी, मुझे तो बस माँ की चिंता थी। वो तो दिख रहा है, लेकिन चाची आपने तो कल सबका जानी अटका दिया था। वैसे ये सब छोड़ो, अब आपकी तबीयत कैसी है? देखो बेटा, वो तो विधाता ने जो लिखा होगा ना वो होके रहेगा। बाकी आज हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। किरण, मैं क्या कह रहा था कि अभी तुमने
माँ से मिल लिया, हालचाल भी पूछ लिया, पप्पू ने घर जाना चाहिए। अब ये कोई पराया घर थोड़ी है मेरे लिए, ये भी तो मेरा ही घर है ना। क्यों चाची? देखो बेटा, बेटी का असली घर तो ससुराल ही है। हाँ। जब एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है चाची, तो फिर क्यों उस ससुराल में उस लड़की को पराया समझा जाता है? देखो बेटा, तुम हो जवान हो, धीरज भी जवान है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ फिरंट होके एक दूसरे से मेल मिलाप करते होंगे तुम लोग। देखो बेटा, समाज के लोग का तुम्हारे पीछे बात नहीं करते होंगे का? अरे के का कहाँ पता, कुछ ऊंच नीच हो गया तो? किसके रोके रुका है सवेरा? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा? मतलब जब एक लड़की ससुराल जाती है बहू बनके, तो फिर क्यों उसको अपने सारे सपने, सारा अरमान, सब कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है? अरे हम कौनो किसका सपना छीन रहे हैं? सालों से जोन रीत चली आ रही है उसी को तो हम भी निभा रहे हैं ना। अरे अभी तो बहुरिया बोली कि परिवार के सुख में ही उसका भी सुख है। कहा बहुरिया, तनी बोलो ना। अरे हम तुमका सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए तो बोल रहे हैं, और कौन सा बंधन लगा दिए तुम पर बताओ? अरे किरण, तुम भी ना कौन सी बात लेकर बैठ गई हो? माँ को आराम करने दो, और चाचा वहाँ परेशान होंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देख रही हूँ मैं, तुम ना मुझे भगाने के पीछे पड़े हुए हो। अब ये मेरा ससुराल नहीं है तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं गैर हो गई हूँ। देख रही है ना चाची कैसे भगा रहा है मुझे यहाँ से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी चाची, बहू और बेटियों को ना आशा की तरह सशक्त जरूर होना चाहिए। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसे मौके पे सब में हिम्मत आ ही जाती है। बाकी जोन होता है ना भगवान की मर्जी से होता है। अगर भगवान का मर्जी होगा और हमें उठाना चाहेगा ना, तो सबके रहते हुए ही हमारे परान पंखेरु ले जाएंगे और कौनो कुछ नहीं कर पाएगा, सब देखते रह जाएंगे। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जो होना है उस पर तो किसी का बस नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें और आपको कुछ नहीं होगा। आज से आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अरे माँ, अभी तो तुम्हें अपने पोते पोतियों को बड़ा होते हुए देखना है। हाँ, जैसे तुम तो नाती पोते का सुख देके बड़ा ओहदा देने वाले हो ना। अरे आज तक कंवारे बैठे हो, अब तक ब्याह नहीं किया। अरे बेटा जानते हो, चाहे लड़का हो या लड़की, अरे एक उम्र के बाद जब ब्याह नहीं होता है ना, तो गांव के लोग, समाज के लोग बातें बनाने लगते हैं। तुम लोगों को कहा है, करे जा तो माए बाप का छीलता है ना। अब लोग क्या बातें करते हैं चाची, अगर सबकी बात सुनने लगे तो किससे किससे लड़ते फिरेंगे? अरे बेटा ये बात जाकर अपने चाचा से पूछना, जिसके घर में जवान भतीजी हो और अब तक उसका ब्याह ना हुआ हो ना, तो रातों की नींद हराम हो जाती होगी उनकी।
देखो बेटा, तुम हो जवान हो, धीरज भी जवान है। अरे पता नहीं कहां कहां फिरंट होके एक दूसरे से मेल मिलाप करते होंगे तुम लोग। देखो बेटा, समाज के लोग का तुम्हारे पीछे बात नहीं करते होंगे का? अरे के का कहा पता, कुछ ऊंच नीच हो गया तो? अरे जाने दो बेटा, हमने दुनिया बहुत देखी है। अरे भुगतना तो माए बाप को ही पड़ता है ना। कैसी बात कर रही हैं चाची आप? धीरज और सूरज तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन्हीं लोगों के साथ तो मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ, और आप? देखो बेटा, बचपन का बात बचपन में ही खत्म हो जाता है। जानते हैं तुम लोग नए जमाने के हो, आजाद ख्याल के हो। तुम लोगों को कहा है माँ बाप को कितना तकलीफ होता है, कितना भुगतना पड़ता है। तुम लोगों को खाली अपना ही पड़ा रहता है, बस अपनी नई सोच, नया जोश। दुनियादारी से तो तुम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हे भगवान जी भगवान। मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था भाऊजी। माना मेरी उम्र आपकी इतना नहीं है, लेकिन दुनियादारी की समझ तो मुझे में भी है ना। अरे काहे नहीं जानते होगे दुनियादारी? बिना तजुर्बा लिए, बिना दुनियादारी जाने ही इतना काम धंधा संभाल रहा है। लगता है रामलाल जो है डंक मार के अपना जहर एकदम अच्छे से उतार चुका है। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि इतना खतरनाक वाला असर हो जाएगा। देखिए बाऊजी, मैं तो यही कहूंगा कि इज्जत बहुत बड़ा चीज होती है। अरे जब आप अपना इज्जत के खातिर अपना बेटा को घर से बाहर निकाल सकते हैं, फिर वो तो किरणिया। अम्मा, किरण भी इसी घर की हिस्सा है और मेरी बहन है अम्मा, और आपकी भतीजी, भतीजी भी तो बेटी समान होती है ना। अरे जॉन कुछ भी हो, आज उसकी वजह से पूरा समाज में थू थू हो रहा है हमरा। बाऊजी, मैं किरण को समझाऊंगा, मुझे पूरा उम्मीद है वो मान जाएगी। अरे मानेगी कैसे नहीं, अरे और कोई चारा है उकरे पास? मिल गया आपको सबक इतनी आजादी देने का। अम्मा, अब इसमें बाबूजी क्या गलती है? हाँ देखो ना, बाबूजी आखिरकार मुझे घर लेके आए ना। बाबूजी आप जो कहोगे वही होगा, जो चाहोगे आप ना वही होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं कहूं तो क्या कहूं? अरे बोलेंगे का, बोलने लायक छोड़ा है वो किरणिया ने। कहा बोलेंगे, सच कह रहे, हमरा तो कलेजा जर जाता है उसको देखकर। तो अम्मा एक काम करो, ठंडा पानी डालो उसमें। इस समय जो है ना अम्मा, ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। तुम शायद ठीक कह रहे हो बेटा, मैं ही किरण के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हाँ बाबूजी, किरण पे मुझे भी पूरा भरोसा है, इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहूंगा। आखिरकार उसके भविष्य की सवाल है। हाँ हाँ, आप लोग उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में अच्छा अच्छा सोचते रहिए। और वो जो कांड की है, अरे पूरा गांव थू थू कह रहा है। अरे इतना लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना, इतना लोगों को झूठ साबित कर सकते हैं का आप?
वहाँ लड़की घर से बाहर निकलने लगे ना, तो वो घर के माई बाप के सर पर एक बाल भी बोझ की तरह लगता है। क्या रमा तुम भी, जो मन में आए बोल देती हो। चाचा जी, उससे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम्हारे कारण ये दिन भी देखना पड़ा हमको। आज तक तुम्हारे चाचा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं, इसीलिए हम तुमको नागिन कहते हैं, नागिन। जब जवान लड़की के चरित्र पर उंगली उठने लगे तो उसको ये पूछने का हक नहीं होता है कि उसने का किया है का नहीं। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का।